पीरे खजाना इतफाक कार जे आई टी ने पेशी के बाद इमरान खान पर फट पड़े। कहा इमरान खान नवाज शरीफ के लिए आर्टिकल 62 के पिटीशन लाए हैं, उनकी नाअहली के लिए तो कैलिफोर्निया का केस ही काफी है। मरीम नवाज की तलब ही बहुत बड़ी लगी है, जे आई टी बुलाने के बजाय सवालनामा भेजे और दर्जिया केस का इकरारी बयान अपने हाथ से लिखने की भी तरकीब कर दी। इस हाल रात से पहले वज़ीर आज़म के साहिबजादे हसन नवाज की पेशी। हसन नवाज का कहना है कि मुखालिफीन को मसला सिर्फ नवाज शरीफ से है, हसन हुसैन या मरियम से नहीं। जे आई टी बच्चों को बुलाकर वज़ीर आज़म पर दबाव डाल रही है। हसन ने तफ्तीशकारों से पूछा, ये तो बताएं शरीफ फैमिली पर इल्जाम क्या है, उल्टी गंगा न बहाएं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि सी पैक की दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती। साहिवाल कोल पार्क प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी ने 7 माह काबिल मंसूबा मुकम्मल किया है। सीआईटी ने शरीफ गांधी के कागजात की तस्दीक के लिए इंग्लैंड की लीगल फर्म हायर कर ली। वज़ीर आज़म के मामले में खुसूसी आसिफ पैमाने का दावा, कहा कि कागजात सुप्रीम कोर्ट से मिल सकते थे, फॉर्म के लाखों पाउंड क्यों जाया किए जा रहे हैं। मनी ट्रेल बरास्ता हुदैबिया नहीं, बरास्ता कतर है। कतरी शहजादे के मौकफ के बगैर जे आई की रिपोर्ट नामुकम्मल होगी। खासतौर शदीद गहरी दबाव में हैं, बेहतर है कि कुछ दिन छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले जाएं। तर्जमा पीडीआई फवाद चौधरी का वजीर खजाना को मुफ्त मशवरा, कहा कि सेहत को नुकसान हुआ तो इसका इल्जाम भी पीटीआई पर आएगा। शफकत महमूद ने कहा नवाज शरीफ को तमाम चीजों का हिसाब देना होगा, पनामा पेपर्स तहरीक इंसाफ ने जारी नहीं किए। सिंध असेंबली में सूबे में नैब कवानीन की मंजूरी का बिल मंजूर, ऑपोजिशन का इंतजार। ऑपोजिशन की पीपी कयादत के खिलाफ नारे, बिल की कॉपियां फाड़ दी। फौजा इजहार ने कहा असेंबली में उल्टे हाथ पर बैठी सारी बारात बशमूल चीफ सेक्रेटरी नैब को मतलूब है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कयादत के खिलाफ ऑपोजिशन के अल्फाज दिल कर नक्श हो चुके हैं, अब इनकी कयादत भी नहीं बचेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अमरीकी सेनेट के वक्त की सेनेटर जॉन मैकेन की सरबराही में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और खत्ते की सलामती की सूरत हाल समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका तवील मुद्दती और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और बेहतर ताल्लुक जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा अमरीकी सेनेट के वफ का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक अमरीकी वफ को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। तशद्दुद करने और बिच्छू छोड़ने जाने का इल्जाम लगाने वाले रुकने कौन से भी जमशेद बच्चू की जमानत मंजूर, सरगोधा जेल से रिहा कर दिया गया।